नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो फॉर्मूला होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या जितने भी नंबर दिए होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, ये दो नंबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका हमने एलसीएम के या एचसीएफ के छोटी क्लासों में पढ़े थे एचसीएफ का डिविजन मेथड से। जैसे हम 6 और 9 का डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो डिवीजन एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते थे 6 वन जा 6, इसमें से माइनस करेंगे 3, यहाँ ये नंबर यहाँ देंगे, ये नंबर यहाँ चला जाता है। ठीक है, यूक्लिड्स उसमें भी देखा था हमने। अब ये देखो 6 वन जा 6 माइनस किया, इसमें से एलएस का 3, फिर ये क्या हो गया 3 टू जा 6। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ आपका कितना, इसमें एचसीएफ होगा 3। दूसरा हमने एचसीएफ फाइंड करने का ये डिवीजन मेथड था, इसी से एचसीएफ अब निकालने का हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। प्राइम फैक्टराइज मेथड में क्या था, जैसे 6 लिया और 9 लिया। ठीक है, तो 6 को क्या लिया, 6 के फैक्टर करेंगे आप, 2 3 जा 6, 3 वन जा 3, 2 मल्टीप्लाई 3 लेते हैं, 3 का जो है 9 का क्या लिखा आपने, 3 जा 9, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये जो कॉमन नंबर होता है, इसमें जो इक्वल नंबर्स हैं कॉमन है उसको लेते थे आप। ठीक है, ये एचसीएफ निकालते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, ऐसी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालने में, अगर एलसीएम निकालने तो क्या करेंगे, हम सबसे कम पावर वाले लेंगे। जैसे 2 की पावर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 2 को भी लेंगे, 3 की जो कॉमन है उसको भी लेते हैं। ये 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो एक लेना है एक पावर, तो इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे, और जो कॉमन पावर है उसकी जगह एक ही नंबर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 3 या 6, 6 3 या 18, तो ये एलसीएम होगा आपका 18। ठीक है, तो अगर इन दोनों का नंबर का देखिए आप, एलसीएम आया 3, एचसीएफ कितना है इसका, ये जो 609 का एचसीएफ है 3, एलसीएम कितना है 18, और 18 3 जा कितना होते हैं 54, 18 3 जा 54। ऐसे यहाँ भी चेक करना प्रोडक्ट और नंबर, 609 था, 6 × 9 इज इक्वल टू 54। ये देखो दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो रहा है, राइट हैंड साइड, माने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, इसी तरह से अगर आप निकालना है 32 और 64 इसका एचसीएफ निकालना है, तो 32 का क्या होगा फैक्टर, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 1। ठीक है, ये 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 64 का लिखा आपने 2 से 32, वही फिर सेम हो जाएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, अब देखिए ये जो है 32 के फैक्टर हो गए 32, 2 कितने टू, 1 2 3 4 5 है, 2 2 2 कितने हैं ये 5 2 हैं, 1 2 3 4 और 5 सॉरी 5 है 5 2 है, 1 2 3 4 5, और 64 के क्या हो गए ये, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, इसको लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 है, 2 2 2 2 2
2 और 2, 1 2 3 4 5 6, ये 2 के पावर 6 है। ओके, जो एचसीएफ में लेंगे आप, एचसीएफ में आप क्या करेंगे, ये देखिए एचसीएफ है, ये एचसीएफ में आप लोएस्ट पावर लेंगे। वैसे भी देख सकते हो आप, ये भी कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 कॉमन है, 1 2 3 4 5, मतलब एचसीएफ में क्या करेंगे आप, छोटी पावर लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तो छोटी पावर लेंगे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। और जब एस सी एफ फाइंड करते हैं तो आप बड़ी पावर लेते हैं, किसी भी जो है डिजिट का अगर सेम होते तो सेम में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है तो आप ले सकते हैं, 2 है तो 2 1 2 लोगे। लेकिन अगर एस सी एफ में क्या हो, अगर दोनों पावर जो है एक छोटी एक बड़ी है, तो बड़ी वाली पावर लेंगे, 2 2 की पावर 6 लेंगे यहाँ पर। 2 की पावर 6 मीन्स, 2 की पावर 6 मीन्स हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, ठीक है। तो ये 64 रहा, एचसीएफ इसका आया 32 और एलसीएम आया 64, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूला पे यूज़ करना है आपको, तो ये फॉर्मूला पर हो जाएगा आपका, ये तो दोनों हो जाएंगे 32 और 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 32 और 64। और यहाँ पर एलसीएम क्या, एचसीएफ कितना है, यहाँ पर एचसीएफ आपका 32 है और एलसीएम भी 64 है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम नंबर आएंगे, ठीक है ना, वैसे भी सेम है। अब एक नंबर हम और लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 24 24 24 और 36, ठीक है। 24 के फैक्टर कर लीजिए आप, 24 क्या हो गए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 से 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3, और 36 क्या हो गए, 2 से 18 2 से 9 3 से 3 3 जा 9 3 1 जा 3, ठीक है। 24 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के फैक्टर हो गए 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ठीक है। देखो 36 का क्या लिखा हमने, इसकी पावर में क्या, देखिए पावर में 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 1 है। इसको 36 को क्या लिखा आपने, 2 2 जा 4 2 2 3 3, ये क्या हो गया, देखो दो बार है पावर, 2 की पावर 2 2 की पावर 2, और 3 का क्या है, 3 की पावर 2 है, ठीक है ना, 2 की पावर 2 1 2 2 की पावर 2 है, 3 के पावर 2। यहाँ पर देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे आप अगर फाइंड करना है तो छोटी पावर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो छोटी वाली पावर, यू हैव टू टेक स्मॉल पावर, जो छोटी पावर है वो लेनी है। वैसे भी आप लगा सकते हो, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 लिया हमने ऐसे के लिए, 2 की पावर छोटी पावर लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, अगर सेम होती है। अब यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो छोटी वाली पावर लेंगे, ठीक है। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, एचसीएफ आया 12, एचसीएफ कितना है, 12 है। एलसीएम इसमें बड़ी पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे, लार्ज है, बड़ी पावर लेंगे दोनों में से, ठीक है ना। जितने भी नंबर है बड़ी पावर लोगे आप, ये वाली पावर लेंगे आप, और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 वाली पावर लिया, 3 के पावर 2 3 के पावर 2, ठीक है। 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 के पावर 2 का मतलब हो गया 9, और दोनों हो गया 72। तो एचसीएफ आया आपका 72, इन दोनों का एचसीएफ 72, एलसीएम आया आपका 72, एलसीएम कितना है, इन दोनों का एलसीएम है 72, इन दोनों का एचसीएफ है 12, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद
एस सी एफ में क्या करते हैं, छोटी पावर लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिया, ठीक है। एल सी एम में क्या होगा, एस सी एफ में यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लिया, ठीक है। 3 की पावर 1, 2 2 जा 4, 2 का 2 डबल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12। एल सी एम में क्या होगा, जो बड़ी पावर वो लेते हैं, 3 की पावर, यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 लिया, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 8 9 जा 72, तो ये एल सी एम हो गया 72, एल सी एम हो गया 12, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 24 × 36 है, और यहाँ पर है एल सी एम कितना है, एस सी एम है 12 × 72, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको, दोनों मल्टीप्लाई करना चाहें, 72 × 12, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 4 6 8, ये आएगा 864, ठीक है, 864 हुआ इधर। इधर आप 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, दोनों तरफ सेम आ रहा है मल्टीप्लाई, 8 6 4, तो एस सी एम मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 864 864 864, इस तरह आपका ये में हम करेंगे आगे। देखिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना और एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, ये 2 पेयर हैं, ये 2 डिजिट है, 3 क्वेश्चन है इसमें, ये पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एससीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला है, इस पे आपको इसको जो है वेरीफाई करके दिखाना। तो पहला हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है 26 और 91 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करेंगे, 26 और 91 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, 26 और 91 का, ठीक है। तो 26 लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, जिन डिजिट के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 होता है वो 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से ये क्या हो गया, 13 हुआ, फिर ये 13 1 जा 13 हो गया, 13 इज अ प्राइम नंबर है, तो 13 की टेबल 13 में जाएगी, 2 से 13 13 1 जा 13, ठीक है। 91 है तो 7 एक प्राइम नंबर है, इसकी टेबल इसमें पढ़ेंगे 13 आएगा, ठीक है, 13 1 जा 13, तो ये 2 से 13, तो 26 के फैक्टर क्या हो गए, 26 के फैक्टर हो गए 2 × 13, और 91 के फैक्टर हो गए आपके, 91 के फैक्टर हो गए 7 × 13, ठीक है। देखिए पावर सेम है ये, ठीक है, ये पावर क्या है इनकी, सेम है, तो ये एस सी एफ हो गया आपका, एस सी एफ हो गया कितना, 13 हो गया, एस सी एफ है 13, एस सी एफ इज 13 है, एस सी एफ 13, एल सी एम हो गई आपकी, एस सी एफ का एल सी एम क्या होगा, पहले डिजिट क्या है, देखो ये 2 है, यहाँ पर इसकी जो है लार्जेस्ट पावर लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 लिखनी है या फिर सेम भी, तो इसमें 2 की पावर 1 है तो बड़ी पावर लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 है तो 2 क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 0 1 होती है, किसी भी डिजिट की पावर 0 1 होती है, तो हम क्या करेंगे बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो इसमें 2 2 है, इसमें नहीं है, तो इसमें एल सी एम 2 आ गया, ये 2 आ गया मल्टीप्लाई, ये 7 हो गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर नहीं है, तो 7 भी लेंगे, 7, और ये 13 जो कॉमन पार्ट है, कॉमन में से यू हैव टू टेक ओनली 1 नंबर, इसमें से केवल 1 नंबर लेंगे, केवल क्या नंबर लेंगे, 1 नंबर लेंगे, ठीक है, केवल 1 नंबर लेंगे, तो 2 7 जब 14 होते हैं, और 14 और 13 मल्टीप्लाई करना है, 14 और 13, अब 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 1 4 1 4 जा 4 1 2 जा 2, ये 2 आ गया, 8 आ गया, ये 2 आ गया, कितना आ रहा है ये 1, ये 2 जो है 1 4 जा 4, ये 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 हो गया, 1 4 जा 4 है ये, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 है ये, 1 1 जा 1, ठीक है, 1 4 जा 4 1 1 जा 1, अभी हो गया 2, यहाँ 8, यहाँ पर 1 182 हो गया, ये कितना हो गया, ये एल सी एम हो गया 182, एल सी एम क्या है
182, और SF कितना है 13 है, SF कितना है 13। तो आप क्या करना है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट को देखो, यहाँ लिखा है LCM मल्टीप्लाई SCM, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, LCM मल्टीप्लाई SCM। व्हाट इज LCM, LCM है 13 नहीं 182, LCM व्हाट इज LCM 182 और SCF है 13, ठीक है। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर देखिए भाई ये 182 को 13 से 182 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। 3 2 6 3 8 24 वन कैरी और टू कैरी हो गया, 3 8 24 टू कैरी हो गया, 3 1 3 2 5 1 2 2 1 8 8 1 1 1 6, ये भी 6 हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ कैरी, यहाँ 2 हो गया, ये आ गया 2 3 6 6 यहाँ पर क्या हो गया 2 3 6 6 2 3 6 6 हो गया। LCM मल्टीप्लाई SCM, LCM मल्टीप्लाई SCM कितना आया देखो, LCM है 182 और SCF है 13, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 हुआ, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड एक जो है लेफ्ट हैंड साइड था ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया ये। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में आपने, राइट हैंड साइड आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर्मूले क्या होता है LCM मल्टीप्लाई SCF इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट दो नंबर क्या क्या है 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 91 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 26 से, 6 1 6 6 9 54 2 1 2 2 9 18 ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ 2, ये देखो 2 3 6 6 देखिए यहाँ पर है 2 3 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया, ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ सेम आ रहा है 2 3 6 6 ये मल्टीप्लाई करके आया 2 3 6 6 2 3 6 6 यहाँ पर भी 2 3 6 6 ये कंप्लीट हुआ पहला फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है 510 और 92 है, फर्स्ट ऑफ ऑल 510 का फैक्टर करेंगे, 510 देखिए लास्ट में 0 है और ये 92 है, ठीक है, तो यहाँ 0 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं आप, 2 से 510 2 2 4 1 नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 2 5 10 ठीक है, यहाँ पर 1 नेक्स्ट डिजिट क्या है 0 2 5 10 कितना आ रहा है 2 5 5 2 से क्या होगा 2 5 5 आ रहा है। अब लास्ट में 5 है, ठीक है, ये 3 की टेबल में भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, तो 3 से पहले देखो 2 5 7 और 12 हो रहा है, ठीक है ना, 5 5 10 और 12 3 की टेबल पढ़ेंगे इसमें 2 5 5 में, तो क्या होगा 3 8 24 1 अगले डिजिट क्या है 3 5 15 85 हो रहा है, 3 से 85 फिर 5 से 17 17 1 17 ठीक है। यहाँ से 2 से टेबल पढ़ेंगे 92 में 2 की टेबल 2 4 8 1 अगले डिजिट क्या है नेक्स्ट डिजिट 2 2 6 12 क्या आ रहा है 46 आ रहा है, फिर 2 से क्या होगा 2 2 4 2 3 6 23 कितना आ रहा है, ये फैक्टर हो रहा है, सॉल्यूशन 2 है ये, सॉल्यूशन नंबर 2। तो क्या हो गया 510 को क्या लिखा हमने, 510 इज इक्वल टू हो गया 2 3 5 17 2 3 5 17 2 3 5 17 ठीक है 2 3 5 17 और 92 का हो गया 2 2 2 2 23 ठीक है। देखो इसमें पावर जो है इसमें 1 है, इसमें पावर 2 है, ठीक है, तो ऐसे में क्या लिखते हैं, जो पावर छोटी वाली पावर है देखिए को वैसे भी कॉमन है, ये इट्स अ कॉमन, ठीक है, तो ये SCF हो गया आपका, SCF क्या हो गया इसमें 2 आया, ये 2 है पहले वाला 2 है, ठीक है, तो
पैसे अब क्या हो गया, टू हो गया। देखे यहाँ थ्री है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ पर नहीं है, बाकी नंबर नहीं है, तो केवल एलसीएम क्या आ रहा है, टू आ रहा है, एलसीएम टू आ रहा है। एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम पहला वाला कॉमन है जो, वो तो ले नहीं आपको टू, फिर बाकी ये थ्री ले लिया, ये थ्री की पावर थ्री जो है क्या, यहाँ पर वन लिखेंगे, यहाँ थ्री की पावर जीरो है, तो ये वाली बड़ी पावर लेंगे, थ्री यहाँ है, यहाँ पर नहीं है तो ये भी लेंगे, फाइव यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो ये भी लेंगे फाइव, 17 भी लेंगे, ठीक है। ये टू तो कॉमन वाला है, ये थ्री ले लिया, ये वाला फाइव, यू हैव टू टेक फाइव वन 17, ठीक है। देखो इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं, बड़ी पावर देखिए यहाँ पर थ्री की पावर जीरो, यहाँ पर थ्री की पावर वन है, और यहाँ थ्री की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, थ्री की पावर जीरो वन होता है, ये जीरो वाली नहीं लेंगे, थ्री की पावर वन लेंगे। ऐसे फाइव की पावर वन है, यहाँ फाइव की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो बड़ी पावर लेंगे, फाइव की पावर वन लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर पावर सेम है, तो ये की पावर लेंगे, थ्री की पावर यहाँ जीरो है, यहाँ वन लेंगे, यहाँ जीरो लेंगे, तो बड़ी पावर लेंगे, जीरो आ गया, थ्री की पावर जीरो वन होता है, ठीक है। तो ये थ्री की पावर वन है, तो ये वाली बड़ी पावर थ्री ले ली, फाइव के पावर यहाँ वन है, यहाँ फाइव के पावर आप जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं, लिख सकते हैं, तो फाइव के पावर वन लिया आपने, ये वाला फाइव के पावर वन ले लिया, ठीक है। तो और ये क्या है, 17 के पावर यहाँ पर वन है, यहाँ 17 के पावर जीरो है, तो यहाँ 17 ले लिया आपने, ठीक है। अगला है 23, 23 यहाँ वन है, यहाँ 20 की पावर जीरो लिख सकते हो आप, ठीक है, 23 की पावर जीरो, तो 23 की पावर जीरो, यहाँ 23 की पावर वन है, तो 23 लेंगे आप, 23 ले लिया आपने, 23 हो गया ये, ठीक है, ये 23 ले लिया आपने, ठीक है। अब ये टू आ गया पहले वाला, ये थ्री है, ये फाइव है, ठीक है, और ये 17 है, ये भी टू रह गया, ये देखो टू की पावर जीरो, ये टू आ रहा है, दूसरा टू भी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक टू और है यहाँ पर, तो ये टू भी हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो ये कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये सब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 2 से 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, और 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 17, तो ये हो गया 1020 हो गया। अब 1020 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 23 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 0 3 2 जा 6, 3 0 0 3 1 जा 3, 2 0 0 2 3 जा 6, 2 0 0 2 3 जा 6, 2 0 0, और 2 1 जा 2, 2 0 0 2 2 लिखा है, 2 0 0 2 2 जा 4 है, सॉरी 2 2 जा 2 0 0 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 0 0 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। जैसे 3 0 0 3 2 जा 6, 3 0 0 3 1 जा 3, 2 0 0, देखो और 2 2 जा 4, 2 0 0 2 1 जा 2, है ना, ये 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कितना आ रहा है ये, 23,460, ठीक है ना, कितना मल्टीप्लाई करके आए ये, 23,460, ये एलसीएम आया, 23,460 आए, ठीक है, 23,460, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। एलसीएम व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम निकला था आपका टू, एलसीएम कितना है टू, एलसीएम कितना निकला, 23,460, 23,460, ठीक है, 460। और इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आप, और इधर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे आप, दोनों चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, देखो प्रोडक्ट 510 है और 92 है, 92, 510 और 92 है, 510 और 92, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 0 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 2 0 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ रहा है ये, 4 6 9 2 0, ये जो है एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम आया, एलसीएम आपका 2, एलसीएम है 23,460,
अब इसी तरह से 510 और 92 मल्टीप्लाई करना है, 200 21 2 5 10, 200 21 2 5 10, 900 9 1 9, 9 5 45, 9 5 45, 0 यहाँ आ गया 2 है ना, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सेम हो रहा है नंबर, क्या नंबर आ रहा है, 4 6 9 2 0 9 2 0। ठीक है, ये देखो वही सेम आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, फॉर्मूला में लग करके ये आंसर हमारा निकल चुका है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, पहले एलसीएम निकाला, 2 एलसीएम इसका ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया निकला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर क्या क्या है, 510 और 92 है, दोनों मल्टीप्लाई कर लिया है। अब सॉल्यूशन नंबर थर्ड, जो थर्ड पार्ट है सेकंड का, थर्ड पार्ट सेकंड का थर्ड पार्ट है, इसमें सेकंड का थर्ड पार्ट है, ये क्या है, 336 है और 54 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 336 के, और इधर 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, 2 से टेबल पढ़ेंगे आप, 2 से क्या होगा, 336, 2 से 2 1 2 1, नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 2 6 12, 1 नेक्स्ट नंबर क्या है 6, 2 8 16, कितना आ रहा है 1 6 है, ये 2 से फिर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, जी लास्ट डिजिट जिनके ये होते हैं वो 2 की टेबल में जाते हैं भाई, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 थी इसलिए 2 की टेबल पड़ी, लास्ट डिजिट यहाँ पर 8 है इसलिए 2 की टेबल पड़ेंगे फिर से। ठीक है, तो 2 की टेबल पड़ी 1 6 8 में, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, फिर नेक्स्ट 2 से कितना आ रहा है 2 2 4, 2 1 2, 3 7, 7 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 से 27, 2 से 50 27 हो गया, फिर 3 से पढ़ेंगे 9, 3 से 3, 3 से 1। देखिए आप, और ये देखिए क्या हो गया ये, व्हाट इज एलसीएम, देखिए 336, क्या क्या हो रहे हैं नंबर, 2 2 2 2, कितने 2 हैं, 2 2 2 2, 1 2 3 4 2 हैं, फिर है 3, फिर है 7, देखो 2 के पावर कितने हैं, ये 2 के पावर यहाँ पर आपके 1 2 3 4, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, और ये क्या है 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 7 के पावर 1। ठीक है, ये 7 के पावर 1, और 54 को क्या लिखा आपने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, देखो कितनी बार 3 है, 1 2 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखो यहाँ पर 2 के पावर 1 है मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 है, 3 3 बार है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो आप क्या हो गया, आप इसका एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकला, एलसीएम हो गया, एलसीएम में क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको एलसीएम में छोटी पावर लेंगे, देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 के पावर 1 छोटी पावर लेंगे। ठीक है, छोटी पावर लेंगे, 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के पावर जो है 1 लेंगे, यहाँ 7 के पावर 1 है, यहाँ क्या कर सकते हो, 7 के पावर 0 ले सकते हो अपनी तरफ से, किसी भी डिजिट का पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 की मतलब छोटी पावर लेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 है, मतलब आप क्या करेंगे इसमें, ये जो है लेंगे नहीं, देख ठीक है ना, जो कॉमन नंबर है वही लेंगे। ठीक है, यहाँ 7 की पावर 0, देखो ये 3 की पावर, ये 2 की पावर 1 है, यहाँ से 2 की पावर 4 है, तो ये ले लिया, यहाँ पर 3 की पावर जो है क्या 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो छोटी वाली ले ली, 3 की पावर 1, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, तो ऐसे भी लगा सकते हो आप कॉमन भी, तो ये आ गया एलसीएम, क्या आ गया 6 आया, एलसीएम कितना आ गया 6, और एलसीएम देखिए, एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम में क्या होगा, लार्ज पावर लेते हैं,
इनमें टू के पावर फोर है, टू के पावर वन है, टू के पावर फोर, टू के पावर वन, तो टू के पावर फोर वाले लेंगे, टू के पावर फोर लार्ज नंबर। थ्री के पावर यहाँ पर क्या है, थ्री है, यहाँ थ्री के पावर थ्री है, और थ्री के पावर वन है तो थ्री के पावर थ्री वाला लेंगे, थ्री के पावर थ्री, थ्री के पावर थ्री, थ्री के पावर, ये देखो थ्री के पावर थ्री है, यहाँ पर थ्री के पावर वन है, थ्री के पावर थ्री लिया हमने, सेवन के पावर वन है, यहाँ सेवन के पावर जीरो लिख सकते हैं, तो क्या होगा सेवन के पावर जो है ये वन लेंगे, तो सेवन के पावर वन ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ सेवन के पावर जीरो, जीरो का वन ही होता है, तो ये तो सिक्स हुआ, एस सी एफ तो सिक्स हुआ, एल सी एम कितना होगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, ये सिक्सटीन हुआ, यहाँ पर कितना होगा सत्ताईस, ट्वेंटी सेवन, कितना हुआ ट्वेंटी सेवन, और मल्टीप्लाई सेवन हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया सेवन, अब सिक्सटीन और ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, सेवन वन जा सेवन वन, फोर इलेवन, ये थर्टी टू हो गया, ये टू आ गया, थ्री आ गया, ये फोर आ गया, तो फोर थर्टी टू को फिर से सेवन से मल्टीप्लाई करना है, सेवन टू जा फोर्टीन वन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू टू, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, थर्टी, तो इस एलसीएम आया इसका थ्री जीरो, देखिए थ्री जीरो आ गया, ये टू फोर हो गया, थ्री जीरो टू फोर, थ्री जीरो टू फोर, थ्री जीरो टू फोर एलसीएम हुआ, ठीक है, थ्री जीरो टू फोर एलसीएम हुआ। अब देखिए नंबर है हमारे पास, वही फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स, ठीक है, एलसीएफ कितना है, एलसीएफ आया आपका सिक्स, एलसीएम कितना आया थ्री जीरो टू फोर, थ्री जीरो टू फोर, अब देखो थ्री जीरो टू फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ठीक है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, थर्टीन फोर्टीन, वन कैरी, सिक्स जीरो जीरो वन ही हो जाएगा यहाँ पर, और सिक्स थ्री जा एटीन, तो कितना आ रहा है एटीन, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके एटीन वन डबल फोर, मतलब एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर, एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर, और दूसरा नंबर है हमारे पास थ्री थ्री सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर, थ्री थ्री मल्टीप्लाई, थ्री थ्री सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर देखिए थ्री थ्री सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर है, ठीक है, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर टू, फोर थ्री जा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वन, फोर थ्री जा ट्वेल्व वन थर्टीन, फाइव सिक्स जा थर्टी, ये फाइव है, ये फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव सिक्स जा थर्टी हुआ, ये थ्री हुआ, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एटीन, ठीक है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एटीन हुआ, ये वहाँ कैरी वन हो, ये कैरी वन हो गया, फाइव थ्री जा फिफ्टीन वन सिक्सटीन, फोर यहाँ फोर, ये वहाँ एट में वन थ्री ऐड करेंगे वन इलेवन, यहाँ पर कैरी चला जाएगा, सिक्स सेवन एट हो गया, ये वन हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करके आया आपका कितना आया ये एटीन, इधर जो है एस सी एफ, ये देखो इधर एल सी एम हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये, और इधर राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड क्या आ गया सॉल्व करके, ये वाला राइट हैंड साइड हो गया, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करके वह आपका ये भी मल्टीप्लाई करके आया एटीन हंड्रेड, एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर, क्या आ रहा है एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर, डियर फोर लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरह एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड हो गए, ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लाई करके एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर, और ये एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फाइव, एससीएफ एससीएफ सिक्स, एलसीएम है थ्री जीरो टू फोर, और दोनों मल्टीप्लाई करके आया आपका एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई एटीन थाउजेंड वन है, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके, और इसी के साथ क्वेश्चन।